हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फॉर्म्स लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत है। तो यहाँ पर त्रिपुरा पीएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट यार रिलीज की गई है, जहाँ पर डिफरेंट सुपर स्पेशली डिसिप्लिन के अंतर्गत में कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं क्या रखी गई है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आपके होने वाले त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन, पोस्ट यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फैकल्टी के लिए, वैकेंसीज यहाँ 18, कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट होने वाली है, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगा, जॉब लोकेशन आपके अगरतला होंगे। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं क्या रखे गए। एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो गए 7 जनवरी 2023 से और लास्ट डेट होने वाले हैं 8 फरवरी 2023। इंटरव्यू के डेट और मेरिट लिस्ट के डेट आपको बाद में नोटिफाई किए जाएंगे। पोस्ट की डिटेल देख लेते क्या रखे गए हैं। तो यहाँ कार्डियोलॉजी के लिए पोस्ट है, जहाँ अनरिजर्व के लिए एक और एसटी के लिए एक पोस्ट दिया गया है। टोटल 2 पदों के लिए यहाँ पर कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी के यहाँ पर 2 पोस्ट है, जहाँ पर अनरिजर्व और एसटी के लिए एक एक पोस्ट है। न्यूरोलॉजी वालों के लिए 2 पोस्ट है, जहाँ अनरिजर्व के लिए एक और एसटी के लिए एक पोस्ट है। न्यूरोलॉजी सर्जरी वालों के लिए 2 पोस्ट है, जहाँ अनरिजर्व और एसटी के लिए एक एक पोस्ट दिया गया है। यूरोलॉजी वालों के लिए 2 पोस्ट है, जहाँ अनरिजर्व और एसटी के लिए पोस्ट है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वालों के लिए 2 पोस्ट है, जहाँ अनरिजर्व और एसटी के लिए एक पोस्ट दिया गया है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, जहाँ अनरिजर्व और एसटी के लिए एक एक पोस्ट दिया गया है। प्लास्टिक सर्जरी वालों के लिए 2 पोस्ट है, जहाँ अनरिजर्व और एसटी के लिए एक एक पोस्ट है। नेफ्रोलॉजी वालों के लिए 2 पोस्ट है, जहाँ अनरिजर्व के लिए एक और एसटी के लिए एक पोस्ट दिया गया है। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या रखी गई है। तो यहाँ पर मिनिमम 30 और मैक्सिमम 50 वर्ष तक की एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाले हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। त्रिपुरा पीएससी के अंतर्गत में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो पोस्ट दिया गया है, तो यहाँ पर डीएम डीएनबी होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के साथ में होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर आपके सिलेक्शन किए जाएंगे। सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है 1,31,400 से 1,43,600 की पर मंथ की सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा, जहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करके हमको वहाँ पर फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ अपलोड करना है, और उसके बाद में सबमिट का बटन दबाकर सामने जो डिटेल्स दिख रहे होंगे उनको प्रिंट में निकाल लेना है, जो फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं। यहाँ पर त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो 8 फरवरी 2023 तक अपना आवेदन कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ ले। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म स्लिप में बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।